नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता यहाँ है तो कमी आप में है, क्योंकि दो बार सत्ता में रहने के बाद जब हम चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं, आज भी उनका भरोसा मोदी के साथ है। ये एक पिक्चर है, इसमें दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, नवभारत, इंडियन एक्सप्रेस, आज के अखबारों के अंक की पिक्चर है। और हर पिक्चर में मोदी जी प्रथम पृष्ठ पर, कवर पेज पर, जो कवर एड होता है, जो सबसे महंगा होता है, उस पर है। तो ये जो आप सर्वे बता रही है, ये इसका नतीजा है। जो 6500 करोड़ रुपए 2014 से 2022 पर विज्ञापनों पर खर्चा हुए, जिसके 3200 करोड़ प्रिंट के ऐसे एड पर और 3400 करोड़ रुपए टीवी के उन एड्स पर खर्चा हुए जिसमें दिन भर मोदी 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 दिखता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की 2023 की पिक्चरें हैं, सारे अखबारों पर मैंने दिखाई। और ये 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने कहा था, इंस्टेड ऑफ पुटिंग एड्स ऑन पेपर्स, टेल योर गवर्नमेंट इन दिल्ली टू गिव द मनी टू द फार्मर्स फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्त था। मजाक था भाई, मजाक। 2 घंटे 40 मिनट लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोले, और प्रधानमंत्री जी के मुंह से दो ही शब्द नहीं निकले, और वो शब्द थे ABANI, अडानी, गौतम अडानी और जांच। दो शब्द, जांच और अडानी नहीं निकला मुंह से। लोग अपना सिर दीवार पर फोड़ते रह गए। प्रधानमंत्री ने उसके अलावा सब कुछ बोला। कितनी यात्राओं पर मोदी जी के साथ अडानी जी गए, कितनी यात्राओं में उन्होंने वहां पर उनको ज्वाइन किया, और कितनी ऐसी यात्रा थी जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इज़राइल, तमामों, जहां से जब मोदी जी जैसे ही वापस आते हैं अडानी जी को कॉन्टैक्ट जल्दी पूछिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हम जानना चाहते हैं। और नल जल की आपने एक बड़ी अच्छी बात करी, बिल्कुल हर घर नल पहुंचना चाहिए, हर घर जल पहुंचना चाहिए। लोकसभा में जब मोदी जी बोले तो 8 करोड़ लोगों के घर उन्होंने नल से जल पहुंचाया था। अगले ही दिन 21 घंटे बाद राज्यसभा में वो 8 करोड़ जादू की तरीके से, जैसे अडानी जी बढ़ते हैं, जादू की तरीके से बढ़कर 11 करोड़ हो गया। तो दिक्कत की बात यह है कि आंकड़ों के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, तो झूठ का बैलेंस भी तो देखना शास्त्री, कमाल है कि नहीं। पिछले 3 साल में आपने भी देखा है कि दुनिया किस तरह से जूझ रहा है, जो महंगाई से, जब अगर कोरोना काल में, उसके बाद जो है जो यूक्रेन वॉर हुआ, तो सप्लाई चेन जो है दुनिया में हर जगह अलग चीजें, हर कुछ यहाँ होती, कुछ कहीं और होती है, एक दूसरे मुल्क में जाता रहता है, तो उससे हर देश को तकलीफ हुई। अगर आप देखें बाहर दूसरे मुल्कों में ज्यादा तकलीफ हुई, अपने मुल्क में सबसे कम है। जब ही देश में विकास की बातें होती है तो उस समय हमेशा आता है कि कोरोना एक अहम, मतलब कि कोरोना की वजह से ये काम रुक रहा है, कोरोना की वजह से वो काम रुक रहा है। तो जब भी देश में चुनाव होती है उस समय कोरोना अचानक से कैसे भाग जाता है, जब देश का चुनाव खत्म होता है, विकास की बात होती है, उस समय कोरोना कैसे आ जाता है। वो लोग हैं जो सिर्फ आपको छलावा में, आपको झूठ में घेरे रहते हैं। इनसे बात करो 2023 की, 2022 की तो बात करेंगे, 1990 की, 1900 ये चले जाएंगे 1800 में। कमाल की बात करते हैं, आपसे बात हो रही 2022 की, 23 की, 14 के बाद से आपकी सरकार है। आप ले जाते 1990 में हमें, आप ले जाओगे वहां नेहरू युग में लेके चले जाओगे, आप 1947 में लेके जाओगे। अरे कमाल की बात करते हो, आज की बात नहीं होगी, युवा आज नौकरी मांग रहा है और आप बोलते हो 1990 में आपने नौकरी मिली। हम बात पोते की करते हैं, ये बात दादाजी की, परदादा जी करते हैं। अरे लूट लिया जा भाई।